अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तैमूर मलिक है, मैं हेड ऑफ सेल्स ओमान.com का। आज हम आपके लिए एक कमर्शियल प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेकर आए हैं। प्रोजेक्ट का नाम है ज़ैमाक, इसको ज़ैमाक 1 भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये पहला प्रोजेक्ट जो फुली कमर्शियल है, जिसके अंदर इन्फिनिटी पूल लॉन्च किया जा रहा है बहरिया टाउन के अंदर। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन बना रहा है, कहाँ लोकेटेड है, क्या क्रेडिबिलिटी है एंड व्हाई शुड इन्वेस्ट, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फ्लोर प्लान से स्टार्ट करते हैं। लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है ये आपकी कमर्शियल स्पेसेस हैं, जिस तरह एक आम मॉल होता है उसके कमर्शियल शॉप्स हैं, राइट। सेकंड फ्लोर बेसिकली आपका फूड कोर्ट एरिया आ जाता है, इधर आपकी फाइन डाइनिंग के रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट होगा, राइट। थर्ड फ्लोर में किड्स प्ले एरिया भी है और सेग्रीगेटेड एरिया है जहाँ आपको फर्दर फूड कोर्ट की शॉप्स अवेलेबल हैं। फोर्थ फ्लोर इज बेसिकली ये एक होटल सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वो होगा तो ये बेसिकली उनकी लॉबी होगी जिधर आपको जकूजी, सोना प्लस बिजनेस सेंटर, कॉन्फ्रेंस रूम, सारी चीज़ें वहीं अवेलेबल होंगी, राइट। फोर्थ फ्लोर के अंदर फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ ये आपके बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट है जो होटल मैनेज कर रहा होगा। टेंथ एंड इलेवेंथ बेसिकली आपके दो फ्लोर्स पेंट हाउसेज के लिए रिजर्व हैं। देन यू हैव ट्वेल्थ एंड थर्टींथ, दीज आर बेसिकली बिल्डर के अपने हेड ऑफिस के लिए उन्हें रिजर्व किए हैं। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है कंप्लीट। आपको कुछ इमेजेस भी यहाँ नज़र आ जाएंगी जिसमें आपको थोड़ा ज़रा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इट विल लुक लाइक वंस इट्स डिलीवर्ड। इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट्स जो हैं वो अहमद ज़का एंड एसोसिएट्स हैं, जो जिन्हें पूरा प्लान और लेआउट दिया है इनको, ठीक है। लोकेशन की अगर हम थोड़ी बात करें, दिस इज़ लोकेटेड इन बहरिया फेज 8, राइट नेक्स्ट टू लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगर आप बहरिया टाउन की रियाज मलिक की मॉस्क देख रहे हैं तो उसके साथ वाला बेसिकली इनका प्लॉट है, और चार कनाल के ऊपर ऑल इन ऑल ये बन रहा है। ओके, फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो दे हैव जकूजी, सोना, दे हैव एलिवेटर्स, फायर स्टेयर्स, 24/7 सिक्योरिटी, दे हैव इन्फिनिटी पूल, दे हैव जिम एज वेल एज बैकअप इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर्स। ओके, डेवलपर की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि बना कौन रहा है। ज़ैम बिल्डर्स इनको डेवलप कर रहे हैं जी, और ज़ैम बिल्डर्स बहरिया टाउन के अंदर 2005 से एक्टिवली काम कर रहे हैं इन हाई राइज बिल्डिंग एज वेल एज इन रियल इस्टेट। ओके, ये उनका पहला प्रोजेक्ट तो नहीं है, इनका एक प्रोजेक्ट ज़ैम हाइट्स के नाम से डिलीवर्ड है और 3.5 साल का प्रोजेक्ट था। इट वॉज डिलीवर्ड इन 2.5 years एंड बिकॉज ऑफ दैट बहरिया टाउन इट्सेल्फ हैज़ गिवन देम एन अप्रिसिएशन, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, कि आपने एक साल पहले और बिफोर योर डिलीवरी टाइम यू हैव एक्चुअली डिलीवर्ड योर प्रोजेक्ट, सही है। वी विल ऑल्सो शेयर एन इमेज ऑफ दैट इज वेल, जो अप्रिसिएशन जीशान साहब को मिली हुई है इस हवाले से। ओके, इनके पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं लाइक ज़ैम लेक विस्टा, देन दे हैव ज़ैम आर्क जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, एंड ऑफकोर्स देर इज ज़ैम लिबर्टी टावर। ज़ैम हाइट्स तो डिलीवर्ड है। ओके जी, सो मूविंग ऑन, अगर हम थोड़ी लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सिंस दिस इज़ लोकेटेड इन बहरिया टाउन, सो बहरिया टाउन ने इनको कंप्लीट NOC दी हुई है, दे ऑल्सो हैव कंस्ट्रक्शनल राइट्स फ्रॉम बहरिया टाउन, ठीक है जी। एंड मूविंग ऑन, हम थोड़ा प्राइस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस प्लान आपको यहाँ भी नज़र आ जाएगा, मगर मैं आपको थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ ओपिनियन दे देता हूँ। देर आर टू ऑप्शंस दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, एक तो आपका ट्रेडिशनल है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, 30% डाउन पेमेंट पे करेंगे एंड द रिमेनिंग इज ओवर अ कोर्स ऑफ 4 years। अगर आपको मंथली पसंद है तो मंथली हो जाएगा, क्वार्टरली पसंद है तो दैट कैन बी वर्कड आउट एज वेल एज हाफ ईयरली। दोज आर थ्री ऑप्शंस दैट यू कैन अवेल इन द इंस्टॉलमेंट साइड। देन यू ऑल्सो हैव लमसम के ऑप्शंस। इन द लमसम ऑप्शंस व्हाट दे आर ऑफरिंग इज प्रीटी अमेजिंग, जिसकी वजह से हम ये आज वीडियो और मार्केट करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट को। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो आपको रेंटल रिटर्न्स दे रहे हैं, दे आर ऑफरिंग 1% विच एक्यूमुलेट्स टू 12% एनुअली, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ 12% आपको सालाना रिटर्न्स में ही मिल जाते हैं इन द सेंस ऑफ रिटर्न्स, रेंटल रिटर्न्स, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल अप्रिसिएशन अलहदा 5% है। ऑल इन ऑल अगर हम इसको ऐड करें तो 1 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट का 17% आपको रिटर्न कर दिया जाता है, 12 इन द फॉर्म ऑफ रेंटल रिटर्न्स एंड 5 इन द फॉर्म ऑफ अगर आप बेचते हैं तो कैपिटल अप्रिसिएशन। मिनिमम सेल आउट इज 1 ईयर, आप 1 साल से पहले नहीं अपना प्रोडक्ट बेच सकते वरना आपको कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ओके, और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेयर मिनिमम जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 49,25,000, विच इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इज 193 square foot की फूड कोर्ट की सेकेंड फ्लोर पे शॉप। ओके, जो 49,225 रुपीज रेंटल भी जेनरेट कर रही है। ओके, फ्रॉम डे 1।
So this is all in all a complete video about Zen Arc 1. अगर हम इसके डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बात करें तो एट द मोमेंट डेवलपमेंट तो अभी नहीं हो रही ड्यू टू मॉनसून, बट मॉनसून जैसे ही ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह इसकी बुनियाद रख दी जाएगी. डिमार्केशन हम लोगों ने प्लॉट की सारी हो चुकी हुई है, इंशाल्लाह दे आर वेरी क्विक इन डिलीवरिंग देयर प्रोजेक्ट्स एंड दे विल डिलीवर देयर प्रोजेक्ट्स. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वाई यू शुड इन्वेस्ट हियर. देर आर मल्टीपल रीजन्स. फॉर स्टार्टर्स, 5% आपको सालाना अप्रिसिएशन मिल रही है, ऑन टॉप आपको 12% रेंटल वैल्यू मिल रही है, ठीक है. मगर अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन अराउंड आप 80-70% ऑफ योर वैल्यूएशन 4 साल के अंदर आप ले लेते हैं, बेस्ड ऑन इफ यू एक्युमुलेट 4 साल अगर आप ये प्रॉपर्टी रखते हैं. तो व्हाई शुडंट यू इन्वेस्ट हियर? द डेवलपर इज़ वेरी क्रेडिबल, बैरियर टाउन की तरफ से इनको अप्रिसिएशन मिली हुई है, विल एट दैट लेटर एज वेल. तो दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्रोजेक्ट एंड दैट इज़ व्हाई वी केम अप विद दिस वीडियो. ओके, आई होप यू लाइक दिस कॉन्टेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. Amanat.com, Pakistan's first investment portal. Mashwara Amanat hai.